हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। तो क्या है इसके अंदर कंपोजिशन, कैसे यूज़ करना है इस मेडिसिन को, और इसके डोसेज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सब पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बैक्टीरिया के बारे में भी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, और इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर पावर ऑफ नॉलेज के नए वीडियोस को सबसे पहले पाइए। तो चलिए सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों, बैक्टीरिया को जर्म्स भी कहा जाता है। ये हमें अपनी आईज यानी आँखों से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। दोस्तों, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के इनसाइड भी होते हैं और आउटसाइड यानी बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, और ये हर जगह पलने की शक्ति रखते हैं, यानी ये अलग अलग एनवायरनमेंट में ये जी सकते हैं यानी रह सकते हैं। तो ये पानी में भी होते हैं, लैंड पर यानी ज़मीन पर भी होते हैं, आइस बर्फ़ वगैरह में भी, ठंडी जगह में भी ये हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया हर जगह हो सकते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया गुड भी हो सकते हैं यानी अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, यानी हम इन बैक्टीरिया की वजह से हम सिक हो जाते हैं यानी बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन हम सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर किसी और टाइप का इन्फेक्शन हो जैसे फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, इन ऐसे टाइप के इन्फेक्शन में हम इस मेडिसिन को रिकमेंड नहीं कर सकते। तो ये मेडिसिन जो है सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही रिकमेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या दिया गया है। तो इसके अंदर कंपोजिशन है सिफुरेक्सिम एक्सिटेल, और इस मेडिसिन का नाम है सेप्टम टैबलेट। ये 500 mg की है, और ये मेडिसिन जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही यूज़ होती है, लेकिन अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया या अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम इस मेडिसिन को रिकमेंड कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, और ये किसी भी एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने की शक्ति रखते हैं। हाँ, अगर टेम्परेचर हाई हो या बहुत लो हो तो शायद कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए रिकमेंड किया जाता है ये मेडिसिन। और दोस्तों, जब ये आपकी बॉडी में जाती है मेडिसिन, तो ये मेडिसिन बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो इन्फेक्शन फैल रहा है बैक्टीरिया की वजह से, वो कम होने लगता है। जैसे ही बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन या हम उसका जो इफ़ेक्ट कह सकते हैं, उसका जो असर है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको आराम मिलता है, और ये मेडिसिन इस तरीके से आपको हेल्प करती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, लेकिन हम इसे वायरल इन्फेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कोल्ड या फ्लू। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोल्ड या फ्लू है, तो आप एंटीबायोटिक, इस टाइप की एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, हम कोई इशू ना हो या प्रॉब्लम ना हो तो भी हम एंटीबायोटिक यूज़ करने लग जाते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एंटीबायोटिक मेडिसिन
ना यूज़ करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही एंटीबायोटिक का कोर्स यूज़ करें। वैसे हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम होने पर। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि अगर आपको कोई इशू नहीं है तो एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। दोस्तों, इस मेडिसिन की प्राइस की अगर बात की जाए तो ये 392 रुपीज़ में मिलती है और ये इसमें 4 टैबलेट दिए गए हैं। इसकी एक्सपायरी की बात करें तो ये जून 2021 तक है। दोस्तों, जब कभी मेडिसिन लें तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि उनका सील जो है वो पैक होना चाहिए, प्रॉपरली सील होना चाहिए, और एक्सपायरी पर ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे जो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन या एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, इसके डोसेज क्या क्या हैं। तो डोसेज की बात की जाए तो दोस्तों, इसको हम दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। 2 टैबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद इसको आप ले सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा कि डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट की कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर की सलाह के बिना डोसेज अपने आप से तय ना कीजिए तो अच्छा होगा। डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपके डोसेज क्या होंगे। वैसे नॉर्मली इसको दिन में 2 टैबलेट दे सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हम देख लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वन बाय वन साइड इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट है वो है वॉमिटिंग, यानी आपको उल्टी वगैरह ऐसी फीलिंग आ सकती है या उल्टी हो सकती है आपको। नेक्स्ट है स्टमक पेन, यानी पेट में दुखना, पेट में मरोड़ जैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है डेजीनेस, यानी आपको चक्कर वगैरह आ सकती है, बेहोशी जैसा लग सकता है। लास्ट वाला है डायरिया, यानी आपको लूज मोशन टाइप ऐसा कुछ हो सकता है। लूज मोशन आप जानते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आई होप आप अच्छे होंगे। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।